Hey guys, तो कैसे हैं आप लोग? Welcome to another video from Warrior Gaming. तो यार, इस वीडियो में तुमको बताऊंगा वीक 5 के मिशन सीजन से उनके किस तरह से करने हैं, क्या क्या है मिशंस एंड तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा उनको जल्दी से करने के लिए. तो यार, जिन्होंने भी आरपीईजी मिशन लाइसेंस लिया हुआ है उनके लिए सारे मिशंस लाइव हो गए होंगे. तो यार, वो वीडियो उनके लिए सबसे जरूरी है वीडियो. उसके अलावा यार, जिनके पास नहीं भी है मिशन पास, उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि यार तुम्हारे पास एक हफ्ते पहले सारे मिशन की जानकारी आ जाएगी, ताकि अगला हफ्ता जैसे शुरू होगा उससे पहले तुम सारे मिशन कर पाओगे. तो यार, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. एंड यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो, क्योंकि यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस डेली बेस पे लेके आता रहता है. एंड यार, उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि तुम्हारे पास सारे वीडियो के अपडेट्स डेली बेस पे आ सके, टाइम पे आ सके एंड तुम कोई वीडियो मिस ना करो यार अपनी. तो यार, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे उन मिशंस के बारे में जिन लोगों ने रॉयल पास खरीद रखा है, उन मिशंस के बारे में बात करने वाले हैं. एंड यार, पहला मिशन जो है वो है किल 3 एनिमीज विद पैन. एंड साथ में गाइज, ये वाला तुम्हारा फ्रेंड बोनस मिशन है. तो यार, फ्रेंड बोनस मिशन वो होते हैं जिनके अंदर तुम्हें मिलता है बोनस अगर तुम उनके साथ खेलोगे जिन लोगों के पास रॉयल पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है. तो यार, अगर तुम्हारे पास रॉयल पास हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर रॉयल पास नहीं है और तुम्हारे फ्रेंड्स के पास रॉयल पास है तो तुम्हें भी बोनस मिलेगा. बट हाँ, इस वाले में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ रॉयल पास वालों के लिए है जिन्होंने रॉयल पास खरीद रखा है. तो यार, तीन बंदे मारने हैं पैन से. अब तीन बंदे पैन से मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिशन बहुत पुराना है. कई लोगों ने ऑलमोस्ट ये मिशन करा होगा. तो यार, सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें दूसरे सर्वर में जाकर कूदना है, वहाँ पे जाके बंदों को पैन से मार देना है. नहीं तो यार, अगर तुम बहुत ही प्रो हो तो तुम नॉर्मल अपने एशिया सर्वर में जाके भी खेल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे यार अब लोग डायमंड क्राउन और एस में लोग आ गए हैं. तो इस टाइम पे पैन से लोगों को मारना इतना कोई आसान काम नहीं है. बट अगेन, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सबसे बढ़िया तरीका है दूसरे सर्वर में जंप करो और इस मिशन को आराम से पूरा कर लो. तो यार, अगले मिशन की हम बात कर रहे हैं. अगला मिशन है किल 2 एनिमीज विद इन 100 सेकेंड्स ऑफ लैंडिंग इन एनी मोड. तो यार, तुम्हें दो बंदे मारने हैं 100 सेकेंड में जंप करने के बाद. लैंडिंग मतलब जंप करने के बाद, ऐसा नहीं है कि प्लेन में होने के बाद 100 सेकेंड, तुम्हें जंप करने के बाद 100 सेकेंड में दो बंदे मारने हैं. तो यार, सबसे बढ़िया तरीका इसका होगा कि तुम जाकर इसको आर्केड में खेलो. इन एनी मोड लिखा है, क्योंकि क्लासिक में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे को बंदे मिलेंगे और तुम मार पाओगे. अब जॉर्जो और नोवो में हो सकता है तुम्हें गन ही ना मिले, है ना. तुम हो सकता है गन के लिए ढूंढ रहे हो तुम 50-60 सेकंड, तो तुम गन ढूंढने में लगा दो. तो यार, अगर तो या तो देखो जॉर्ज और नोवो में आराम से ये मिशन पूरा हो सकता है. पोचिंकी में भी इनफैक्ट ये मिशन पूरा हो सकता है आराम से. बट अगेन, डिपेंड करता है कि तुम्हें गन मिलती है नहीं मिलती. और उसके बाद फिर ये है कि दो बंदे मारने हैं, ऐसे नहीं है कि एक बंदा मारना है, दो बंदे मारने हैं. तो सबसे बढ़िया मैं बोलूँगा यार, आर्केड में जाके खेलो इसको, आर्केड मैच खेलो और वहाँ पे जाके इसको आराम से पूरा कर लो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 150 आरपी पॉइंट है यार, बहुत सारे आरपी पॉइंट है ये. अगला है 10 व्हीकल टायर्स. तो तुम्हें टायर फोड़ने हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अगर तुम नॉर्मल अपनी कोई भी गाड़ी चला रहे हो, उसका तेल खत्म हो जाता है, उसके टायर फोड़ दो. किसी भी व्हीकल के टायर फोड़ सकते हो. बाइक हो गई है, बग्गी हो गई है, तुम्हारी यूएस हो गई है या डासिया हो गई है, डजेंट मैटर, कोई भी तुम्हारा व्हीकल है उसके तुम टायर फोड़ सकते हो. तो इसमें कुछ खास सोचने वाली बात नहीं है. कभी भी तुम इस मिशन को मतलब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगला मिशन है ट्रैवल ओवर 30,000 इन अ व्हीकल. तो 30,000 मीटर्स तुम्हें ट्रैवल करना है. इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार, ये तुम कभी भी कर सकते हो. ये तुम्हारा नॉर्मल अगर तुम गेम खेलते रहोगे तब भी आराम से पूरा हो जाएगा. तो इसके लिए तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये काफ़ी आसान मिशन है, आराम से जल्दी से हो जाएगा. तो यार, अब हम आते हैं उन मिशंस पे जो मिशंस हमारे सबके लिए हैं, जिन्होंने रॉयल पास नहीं लिया, जिन्होंने लिया है उन सबके लिए वाले मिशंस हैं. एंड उनमें सबसे पहला मिशन है हमारा फ्रेंड बोनस वाला मिशन. तो यार, इसमें ये वाला मिशन मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि उन्हीं के साथ करें जिनके मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड हैं जिन्होंने रॉयल पास लिया हुआ है. तो उन्हीं को अपनी क्या कहते हैं स्क्वाड में लेकर फिर इस मिशन को पूरा करना है. कंप्लीट 15 मैचेस विद फ्रेंड्स. तो ऑब्वियसली तुम्हें फ्रेंड्स के साथ ही करना है ये वाले मैचेस. तो तुम्हें मतलब फ्रेंड्स के साथ ही करना पड़ेगा. अब ये देख लेना कि रॉयल पास हो उनके पास, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. अगला यार हमारा किल 20 एनिमीज इन सामी विद AKM और N762. ये मिशन भी यार बहुत पुराना हो गया, ये मिशन हमेशा दे देते हैं ये लोग. तो तुम्हें 20 बंदे मारने हैं सामी में उतर के. सामी होता है सानोक मैप में. तो तुम्हें सानोक मैप में सामी में उतर के 20 बंदे मारने हैं वहाँ पे एंड ये पूरा हो जाएगा. तो यार, वैसे तो एकदम से पूरा होने नहीं वाला है, बिकॉज अगर तो तुम डेली खेलते हो सानोक मैप, एंड आई एम श्योर सारे लोग सानोक नहीं खेलते. मुश्किल से 5-10% लोग सानोक खेलते हैं. तो यार, अगर तुम सानोक नहीं खेलते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि तुम किसी और सर्वर में जंप करके यहाँ पर वहाँ पर जाके बंदे मार सकते हो. क्योंकि अगर तुम्हें आदत नहीं है खेलने की तो यार हो सकता है कि तुम्हें मार दे बंदे. वो डिपेंड करता है यार, बिकॉज मैप का पता लग जाता है तो ईजी होता है खेलना. अगला यार हमारा लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन एल पोजो 3 टाइम्स. अब ये अगेन बहुत आसान है, फ्री के तुम्हारे 50 आरपी पॉइंट है ये. तुम्हें मेरा मार मैप में एल पोजो में किसी बिल्डिंग के ऊपर 3 बार कूदना है. तो अब ये तुम किसी भी जाकर सर्वर में कर सकते हो, क्योंकि मेरा मार अगेन ज़्यादा लोग मेरा मार नहीं खेलते हैं. मैक्सिमम लोग सिर्फ इरांगल ही खेलते हैं. तो यार, अगला हमारा मिशन है गेट ए लेवल 3 बैकपैक इन 10 मैचेस.
तो अगेन ये तुम्हारा नॉर्मल मैचेस खेलते हुए पूरा हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें लेवल 3 का बैकपैक लेना 10 मैचेस में और ये पूरा हो जाएगा आराम से। अगला मिशन है यार हमारा फिनिश इन टॉप 3 वंस इन एनी मोड। तो तुम्हें टॉप 3 में आना है किसी भी मोड में एक बार। अब यार ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तुम्हारा आराम से पूरा हो जाना है। तुम्हारा अगर तुम दिन में 5-6 मैच खेलते हो तो एक ना एक चिकन डिनर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा यार। तो इसमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई इशू आने वाला है, बहुत ईजी है। अगर फिर भी तुम्हें इशू आता है, अगर तुम ज़्यादा नहीं खेलते मैच, क्लासिक मैच में चिकन डिनर बहुत मुश्किल से होता है तुम्हारा, तुम नए प्लेयर हो, तो यार सबसे बढ़िया है आर्केड में जाए खेल लो। आर्केड में चिकन डिनर ज़्यादा जल्दी हो जाता है, टॉप 3 में आना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो दूसरे सर्वर में जाकर सोलो में खेल लो यार, तुम्हें सारे बॉट्स मिल जाएंगे, सबको मार देना, फर्स्ट आ जाओगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मिशन है यार किल 5 एनिमीज़ बाय हेडशॉट। तो तुम्हें हेडशॉट से 5 बंदे मार रहे हैं। अब अगेन यार ये वो मिशन आता है जिसके अंदर या तो तुम स्नाइपर यूज़ कर सकते हो, आर्केड में खेल सकते हो स्नाइपिंग मोड में, या फिर यार मैं तुम्हें बोलूँगा कि दूसरे सर्वर में खेल लो तो वहाँ पूरा हो जाएगा, वो तुम पे डिपेंड करता है। उसके अलावा यार सबसे बढ़िया अगर तुम्हें नहीं खेलना किसी और सर्वर में, अगर तुम्हें एशिया में ये मैच पूरा करना है, तो सबसे बढ़िया है प्लेन के एंड तक चले जाओ। प्लेन के एंड तक तुम ऑटोमेटिकली जैसी जंप हो जाओगे, प्लेन के एंड तक चले जाओ यार तुम, प्लेन के एंड में जैसे ही तुम ऑटोमेटिकली जब जंप होते हो, तो अगर 2-3 बंदों का नेट बंद हो गया होगा तो यार तुम उनको आराम से मार सकते हो हेडशॉट से। और तुम्हें ये तो है नहीं कोई दूर से मारना, 200 मीटर से मारना, तुम आराम से मार सकते हो उनको। तो यार आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा ना, आपको नया पता लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना मत जाना, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस डेली बेस पे लेके आता रहता है। एंड यार उस बेलकन को जरूर दबाना ताकि तुम्हारे पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे आएँ एंड तुम कोई वीडियो मिस ना करो यार हमारे चैनल का। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है अपने को नई वीडियो बनाने का। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Talk about his chest.